कलम की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कलम प्रभा खेतान फाउंडेशन का एक अनूठा प्रयास है हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए। बी केयर और प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कलम के प्रस्तुतकर्ता श्री सिमेंस को, कलम के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल जयपुर मैरियट को और कलम के मीडिया पार्टनर दैनिक भास्कर को। आज जो नाम हमारे साथ जुड़ा है वो एक ऐसा नाम है और उन्होंने इतना काम पर्यावरण पे किया है कि आप इस इवेंट के बाद जानेंगे कि जो ऐसे विषय जिनके ऊपर हम बात करने से कतराते हैं वो कितने ही अहम विषय हैं हमारे जीवन के और हमारी आगे आने वाली जेनरेशन के। श्री सोपान जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज जयपुर में इस कलम में यहाँ पर शिरकत करने के लिए। आप एक संवाददाता हैं, लेखक हैं, संपादक हैं, विज्ञान, पर्यावरण, राजनीति, खेल, कृषि, यात्रा पर लिखते हैं। जुलाई 2016 में प्रकाशित आपकी पहली पुस्तक जल थल मल हिंदी में स्वच्छता विज्ञान पर आधारित एक सामाजिक अन्वेषण है। आपसे बातचीत करेंगी हमारे शहर की मिनी संपत राम जी। मिनी जी ने भी बहुत सारा काम किया है सैनिटेशन हाइजीन पर राजस्थान में, अलवर में, एक अलवर के पास एक गांव में और अलवर में, और पंजाब में भी। और आप वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हैं, आपका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है, एक जाना माना नाम जयपुर का। स्वागत है आप दोनों का, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सोपान जी, आपका प्रभा खेतान फाउंडेशन की तरफ से और वी केयर की तरफ से स्वागत हमारे शहर में और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं, जैसे इन्होंने अपना ने अभी बताया, मैं बहुत टाइम से एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ इश्यूज़ के साथ रिलेटेड हूँ, बट इस किताब को पकड़ पढ़कर मेरा पूरा नज़रिया बदल गया। सोपान जी, थैंक यू। एक बिफोर वी स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, मैं एक छोटी सी बात बताऊँगी। परसों रात को मेरे घर पर यह किताब डिलीवर हुई, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बाहर थे। इस किताब की खूबसूरती यह है कि मेरे को आज पता लगा कि मेरी डोमेस्टिक हेल्प, चार पांच जने सब ने बैठ के ये किताब पढ़ी। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक, कि ये केवल पढ़े लिखे जो वर्ग है, इतना इम्पॉर्टेंट इशू है, उसको केवल उसके तक इसने सीमित नहीं रखा। अगर मैं इसको कहूँ तो मैं इसको ऐसे कहूँगी कि जैसे बचपन में जो हमने किताबें पढ़ी, ये वैसी किताब है जिसको आप पढ़ते हो, ये आपके मन में, दिल में समा जाती है और जिसको आप कभी भी भूलोगे नहीं। इसके लिए थ्री चीयर्स टू सोपान जी। बहुत बढ़िया प्रयास है सोपान जी। सबसे पहले मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूँगी कि आपने इस किताब को हिंदी में लिखा। आज तक मैंने जितना भी इस सब्जेक्ट के ऊपर में पढ़ा वो हमेशा इंग्लिश में था, वर्नेकुलर लैंग्वेज में नहीं था। और इसके पीछे मैं आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया, मैं कारण तो समझ सकती हूँ कहाँ से, बिकॉज आप भी पहले इंग्लिश में पत्रकारिता करते थे, तो ये कहाँ से ये शुरू हुआ, आपने इस माध्यम को क्यों चुना? आप सभी को नमस्कार, सभी आयोजकों का आभार, प्रभा खेतान फाउंडेशन, कलम। अपरा जी से कई बार फ़ोन पे बात हुई है, पिछले दो तीन महीने का परिचय है। मिनी जी, आपसे मिलना यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैं एक साधारण हिंदी भाषी परिवार से आता हूँ और मेरी पढ़ाई और नौकरी के कोई 15 साल अंग्रेज़ी में गए हैं। ये शुरू से पता था कि जब कोई अपने मन का काम करना है तो अपनी भाषा में करना होगा। इसमें किसी भाषा के प्रति दुराव की बात नहीं है। दूसरा, ये ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी कि कोई किताब लिखनी है, ये
ऐसा काम है जो अपने आप अपने काम के दौरान होता चला गया, तो और इसको करने की मतलब ये किताब बननी है इसकी समझ मुझे लगभग 2010 में आ गई थी, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें इकट्ठी हो रही थी, अलग अलग विषय जिन पे टुकड़ों में बात होती है लेकिन उनको जोड़ के नहीं देखा जाता, और उनको जोड़ के देखना ये साधारण लोगों के लिए ज़रूरी है। विशेषज्ञों में जो बातचीत होती है, विशेषज्ञ दूसरे विशेषज्ञों के लिए लिखते हैं, विशेषज्ञ साधारण लोगों के लिए नहीं लिखते। पत्रकार होने के नाते मेरा काम ज़्यादातर ये रहा है कि मैं जो लोग विशेष ज्ञान रखते हैं उनके पास जाता हूँ, उनसे उनका काम समझता हूँ और फिर उसे साधारण लोगों के लिए लिखता हूँ। अंग्रेज़ी में भी यही करता था। तो जब ये समझ में आने लगा कि सफाई के नाम पे जो बातचीत हो रही है वो बहुत अधूरी है और उसमें कई बड़े संबंध हैं जिन पे हमारा ध्यान जाता नहीं है, तो जब ये साफ हो गया कि एक इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं कि हर पत्रकार के पास अनकही कहानियों का भंडार होता है, पत्रकार जो ढूंढते रहते हैं उसमें से थोड़ा कुछ अपनी रपट में रोज़मर्रा के काम में लिख देते हैं, बहुत कुछ रह जाता है, उसमें सब कुछ अनुपयोगी नहीं होता। जैसे दर्जियों के पास कपड़े पड़े रहते हैं तो काट के वो उसके लिए पोशाक बना देते हैं लेकिन कपड़ा पड़ा रह जाता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि दर्जी को समझ में आता है कि कपड़े का सबसे अच्छा हिस्सा तो उसके पास पड़ा ही रह गया। तो ये कुछ ऐसी ही कहानी है कि मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जो उसमें सबसे कहने लायक बात है लगभग 8-10 साल के मेरे काम में वो तो कही ही नहीं गई है, और अगर उसे कहना है तो उसे सामाजिक रूप में कहना पड़ेगा, विशेषज्ञों की भाषा में नहीं। इसलिए जो भाषा मैं जानता था, अगर मैं तमिल भाषी होता तो शायद मैं तमिल में लिखता, अगर उड़िया होता तो मैं उड़िया में लिखता, लेकिन अपनी भाषा में काम करने का एक अलग आनंद है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ी ने मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार किया है, कतई नहीं, अंग्रेज़ी ने मतलब मेरे साथ बहुत प्यार बरता है, मुझे रोज़गार दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें अपनी भाषा में अच्छी लगती हैं। बिल्कुल सही। दूसरा मैं एक और आपसे बात जानना चाहूँगी सोपान जी, वो ये है कि ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है, ये जो अपनी मेन पत्रकारिता है उसका इशू क्यों नहीं बन पाया? ये सही में हमारे समय का संकट है कि हम लोग इस ताबड़तोड़ हड़बड़ी में अपना काम कर रहे हैं कि ये देखने का मौका नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। सामने गड्ढा है लेकिन हम जिन पैमानों में अपना समय नापते हैं वो मतलब बहुत हुआ तो साल दो साल, आप कितने साल के हैं, घर में सबसे बूढ़े किस उम्र के हैं, महीने हफ्ते, हम इनमें अपना समय नापते हैं, लेकिन पर्यावरण की बातचीत के लिए पूरा मनुष्य इतिहास वो जुम्मा जुम्मा चार दिन है। तो इसीलिए पुस्तक शुरू जहाँ से होती है वही वो लगभग एक तरह से हमारा कालबोध तोड़ने की चेष्टा है कि ये पुरानी बात है, पुरानी बात भी ऐसी नहीं कि एक दो पीढ़ी चार पीढ़ी पहले वाली, एक अरबों साल पुरानी बात है। पत्रकारिता में इन चीज़ों की पहले जगह हुआ करती थी। हमारे यहाँ पत्रकारिता आज़ादी के संग्राम के साथ फैली है, तो उसमें ये गुण था कि साधारण लोगों के मतलब की चीज़ें ढूंढी जाएं और उसकी बात उनसे साधारण भाषा में की जाए, और उसके लिए अगर ऐसा जतन भी करना पड़े कि कुछ कठिन चीज़ समझनी पड़े तो समझ लेंगे। अगर आप अपने समाज के बेटे हैं और पत्रकार हैं तो आप अपना काम ऐसे भी देख सकते हैं कि आपके समाज ने आपको नियुक्त किया है कि कुछ कठिन चीज़ आप समझ लें
और फिर साधारण भाषा में आके समझा दें। जैसे घर में जब कोई शादी ब्याह होता है तो लोगों की भूमिका तय रहती है, आमतौर पे खरीदारी कौन करवाएगा, टेंट हाउस का काम कौन देखेगा, रसोई का काम कौन देखेगा। तो उस तरह ये भी एक काम है कि इस तरह की चीज़ है, तुम समझ के आ जाओ और हमें साधारण भाषा में समझा दो। लेकिन आजकल ये कम हो रहा है क्योंकि पत्रकारिता में विश्वास कम है। लोगों को ये हड़बड़ी है कि अगर हम पते की बात कहेंगे या गंभीर बात कहेंगे तो उसको पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। तो जब माहौल ऐसा हो जाता है तो कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कहते हैं नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, लेकिन जो कहने लायक बात है वही लेकर आएंगे और जो उसको कहने का तरीका है उसी से कहेंगे। और मेरा अनुभव इसमें ये रहा है, देखिए आज आपके साथ बैठा हूँ यहाँ पे, इसमें ये किताब जब तैयार हुई थी तो मैं 1000 प्रतियाँ छापने में संकोच कर रहा था, मुझे लग रहा था ये कौन पढ़ेगा। लेकिन अब 2 साल 2.5 साल हो चुका है, हर रोज़ कहीं ना कहीं से खबर आती है, कहीं ना कहीं से फ़ोन आता है, बहुत अमीर इलाकों के कुछ नए ऐसे परिचय बने हैं जिन लोगों ने अपने घर के शौचालय बदल लिए हैं इस किताब को पढ़ने के बाद। मुझे ये बताया गया है कि कहीं गाँव में कुछ नए प्रयोग चल रहे हैं। अब इसमें कोई अपना यश नहीं है, देखिए पत्रकार समाज का डाकिया है, वो चीज़ यहाँ से उठाता है और वहाँ लेके जाता है। तो जिन लोगों ने काम अच्छा किया है उसकी बात लेके जा रहा हूँ, और हमारी आज़ादी की लड़ाई में यही था, पत्रकारिता की भूमिका यही थी। लेकिन आज पत्रकारिता में विश्वास की कमी है, अपने लोगों में, अपनी भाषा में और अपने समाज में। तो वो एक असुरक्षा की भावना रहती है कि मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप नहीं समझ पाएंगी तो फिर मैं ऐसा करूंगा कि मैं अपना संदेश ही बदल लूँगा, मैं अपना संदेश वहाँ ले आऊँगा जहाँ आप उसको समझ लें। तो इसका मतलब हम कोई नई बात नहीं समझेंगे, हम जो पहले से जानते हैं उसी को बार बार दोहराते रहेंगे। तो ये किताब कुछ पुरानी किस्म की पत्रकारिता करने का प्रयास है। बहुत खूब, अब अपन इस किताब पे शुरू करते हैं। ये किताब 10 अध्यायों में बटी हुई है एंड सुमेश कुमार जी के जो चित्र हैं ये इसको और बहुत खूबसूरत बना देते हैं। जितना इनका लिखा हुआ सुंदर है उतने ही उनके चित्र ऐसे हैं कि जो आपको एकदम आपके दिल को झकझोर देते हैं। स्पेशली सुपान जी जहाँ पे उन्होंने मेला ढोले वालों की जो फोटो बनाई है आपके दिल को छूती है। ये वो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर अपन कभी अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के बात नहीं करते, ये वो शब्द हैं जिनको हम डेली अपनी भाषा में इस्तेमाल नहीं करते। पूरा स्वच्छ भारत का देखने का नज़रिया मेरा इस किताब को देखने के बाद बदल गया। मैं अपने घर के टॉयलेट साफ करके, हारपिक डालकर, सफाई करके बहुत खुश महसूस करती थी कि हमारा घर बहुत साफ है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आप इस पूरी पॉल्यूशन के अंदर, गंदगी के अंदर और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों सपान जी? जी बिल्कुल, ये स्वच्छता, देखिए प्रकृति में ना तो कुछ कूड़ा कचरा होता है ना स्वच्छता होती है। प्रकृति में एक प्राणी, कोई भी प्राणी जो प्रकृति के रस हमारे आसपास बिखरे हुए हैं उसका एक हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है, और जो हिस्सा वो इस्तेमाल नहीं कर पाता वो दूसरों के काम आता है। जैसे ऑक्सीजन ऐसी गैस नहीं है जो मुक्त रूप में पाई जाए प्रकृति में, तो अगर हम ऑक्सीजन अभी अपने फेफड़ों में खींच रहे हैं जहाँ से वो खून से होती हुई हमारे शरीर के कोने कोने में जा रही है, तो ये इसलिए है कि वो पेड़ पौधों का मल है, पेड़ पौधों के काम का नहीं था, उन्होंने अपना कचरा निकाल दिया, उसके आधार पे हमारा जीवन चलता है। और हमें सांस लेना कोई ऐसा नहीं है कि किसी योग गुरु ने ही सिखाया हो, सांस लेना तो आता ही है, इसके लिए कोई पीएचडी नहीं करनी पड़ती, अलग से कोई स्कूल का किंडरगार्टन नर्सरी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता कि सांस लेना सीखो,
ये तो जीव को सहज पता है क्योंकि प्राण ही प्राणी और प्राण प्राणवायु. लेकिन जब किसी भी प्राणी की संख्या एक सीमा से ज़्यादा बढ़ जाती है, ये पृथ्वी के इतिहास में बार बार हुआ है कि किसी भी प्राणी की विफलता का एक बड़ा कारण, कई कारण हो सकते हैं, एक बड़ा कारण है सफलता. अगर आप ज़्यादा सफल होंगे तो आप अपनी विफलता का रास्ता खोल रहे हैं. और ये हम पहले नहीं हैं, ये विज्ञान के पास आज इतनी जानकारी है जितनी कभी किसी कवि के पास नहीं रही अपनी कल्पना में. और वो हमें बार बार बताती है कि ऐसे कई प्राणी हुए हैं जो बहुत सफल हुए हैं और फिर अपनी सफलता के कचरे में ख़त्म भी हुए. तो पर्यावरण का मुख्य सबक तो आज यही है कि हम अपनी सफलता को कैसे रोक पाएंगे, हम अपनी महत्वाकांक्षा को कैसे रोक पाएंगे. क्योंकि आज हमारी सफलता उस प्राकृतिक संसार को खराब कर रही है जिसने हमें बनाया है. उसके बिना तो हमारा जीवन नहीं चल सकता. लेकिन लोग पर्यावरण की बात भी एक नई और बनावटी भाषा में करते हैं जिसमें आपको धरती बचाने जैसी बातें सुनने को मिलती हैं. कोई धरती बचाना चाहता है, उनको कहो धरती कितनी बड़ी अंदाज़ा है, नहीं लेकिन बचा लेंगे. कैसे बचा लोगे? मतलब उसमें ये होता है कि धरती हमने बनाई है, हमारी फैक्ट्री है, उसमें हम धरती अर्थी बना सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं. ऐसा है नहीं, यही एक संसार है जो हम जानते हैं, इसके अलावा कहीं जीवन हमें मिला नहीं है आज तक. इस संसार ने हमें बनाया है, जिसने हमें बनाया है वो हमें मिटा सकता है. हम उसको बना नहीं सकते, हम उसको बिगाड़ सकते हैं थोड़ा बहुत, वो भी एक हद से ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाएंगे. अंततः वो हमको सरका देगा और उसके लिए हमें सरकाना, मतलब अगर पृथ्वी का इतिहास पूरा 4.5 अरब साल का है, उसे एक कैलेंडर में बदल दिया जाए, जो कैलेंडर जिसकी हमें आदत है, जैसे बच्चों को समझाने के लिए होता है कि नहीं, ऐसी बातें होती हैं कि पापा ज़्यादा प्यार करते हैं या मम्मी ज़्यादा प्यार करती हैं और उसमें चीज़ें छोटी करके बताई जाती हैं, तो उस तरह से अगर हम अपने ग्रह का इतिहास पूरा एक कैलेंडर में डाल दें तो मनुष्य का जन्म 31 दिसंबर की रात 11:55 पे हुआ है. हम अभी अभी के आए हुए हैं. लेकिन आप पाएंगे पर्यावरण की बातचीत भी एक गजब के अहंकार में होती है कि हमें धरती को बचाना है, हमें ये बचाना है. उसमें ये भाव नहीं होता कि हम खत्म हो जाएंगे. और जैसे अब तो पुराने जीवन के बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, वो बार बार यही बता रहे हैं कि हम लोग इस रूप में सबसे पुराना अब तक का हमारा जीवाश्म जो मिला है होमो सेपियन सेपियन का, पहले लगभग 1.5-2 लाख साल पुराना था, अब 3 लाख साल पुराने मिल गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा. डायनासोर तो लगभग 15-1 करोड़ साल उन्होंने राज किया बिल्कुल, और फिर कहाँ गायब हो गए पता भी नहीं चला. आज भी हैं वैसे, आज जो भी पक्षी हैं वो डायनासोर की ही रूप हैं, लेकिन धरती पे चलने वाले डायनासोर खत्म हो गए सब. तो ये मुझे लगता है कहीं भाषा की ये समस्या है कि हम हर चीज़ को अपने हिसाब से समझना चाहते हैं, तो हम उसकी बातचीत भी ऐसे ही करते हैं जैसे ये हमारे खिलौने हैं जिनको हम तोड़ भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये होता नहीं है. ये प्रकृति में तो, अब अगर प्रकृति में कोई कचरा नहीं है तो प्रकृति में सफाई भी नहीं है. कोई प्राणी सफाई नहीं करता, थोड़ा बहुत मौलिक है. कुत्ता भी अगर अपना मल त्यागता है तो वो आगे जाके उस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल देता है, लेकिन उतना ही करता है. बिल्लियों में भी ऐसा देखा गया है कि वो कहीं गड्ढे में जाके मल त्याग करती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा प्रकृति में सोचना नहीं पड़ता क्योंकि हमारे लिए ये
हमारे लिए असली में ये कल्पना करना बहुत कठिन है। मैं बार बार कल्पना की बात इसलिए करता रहता हूँ क्योंकि ये सही में कल्पना की समस्या है। हम लोग ये आज मानते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन असली में हमारी कल्पना बहुत छोटी होती है और हम अपने आसपास का छोटा सा दायरा जानते हैं, उससे जो बड़ी चीजें हैं वो बाहर हो जाती हैं। तो मनुष्य की आबादी आज से 100 साल पहले चौथाई भी नहीं थी जो आज है उसकी तुलना में। 4 गुना 100 साल में हमारी आबादी बढ़ गई है, तो हमारा मल भी बढ़ गया, लेकिन मल को ठिकाने लगाने के साधन उतने बड़े नहीं हैं। तो अब क्या करें, जो साधन पहले काम करते थे वो अब नहीं करेंगे। अब अगर नए सिरे से समझना है तो जो पहले की समझ थी उससे काम नहीं चल रहा है, तो नई समझ बनानी पड़ेगी। और उसमें सबसे मुख्य बात, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने मल की, उसके बिना अब काम नहीं चल पाएगा। किसी के पास कहीं कोई ऐसी स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है जो किसी और के जिम्मे डाल के की जा सके, चलाई जा सके। तो हमें स्वच्छता को भी अब तक हमने स्वच्छता को प्रकृति से बचने का तरीका माना था, क्योंकि प्रकृति को हम गंदगी, रोगाणु, इन चीज़ों से जोड़ के देखते थे, क्योंकि हमारी प्लान्ड शहर हमारे उससे कहीं बेहतर साफ सुथरे होते हैं। अब समझ में आ रहा है कि प्लान्ड शहर कई नई समस्या खड़ी कर रहे हैं। तो अब हमें स्वच्छता को भी नए सिरे से समझना पड़ेगा। यहाँ पे सोपान जी की किताब जल थल मल एक त्रिकोणीय किताब है। ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन वर्ड लैटिन के ह्यूमस से आया जिसका मतलब मिट्टी। हमारी शुरुआत वहाँ से है। जल पानी, थल मिट्टी और मल जो हम त्यागते हैं। इनका पूरी किताब का जो फोकस है इनके बीच में आपस में कैसे बैलेंस बना के रखना है, ये उसके ऊपर है। सोपान जी, इसमें सबसे पहले जैसे कि आपने अपनी किताब में लिखा कि केचुआ, आपने एक एग्जांपल दी एक जगह पे कि केचुआ मिट्टी खाता है और मिट्टी में ही अपना मल त्यागता है और वो मिट्टी को उपजाऊ मानता है, वो उपजाऊ बनाता है मिट्टी को। जैसे आपने कहा कि कुत्ता भी, जंगली जानवर भी सब अपने मल को ढकते हैं। मल, मेरे को जो इस किताब से फिर पता लगा, जब तक मिट्टी में जाता है ये अमृत है, जब ये पानी में जाता है ये विष बन जाता है। हम अपने शहरों की जो फॉल्टी प्लानिंग है इसके अंदर साफ पानी जो कि हमारे पीने योग्य पानी है उसके अंदर हम फ्लश करते हैं, जो हमारे सीवरेज में जाता है, सीवरेज सिस्टम में जाता है, और उस सीवरेज सिस्टम का बिना ट्रीटमेंट हुए ये अधिकतर हमारे मिट्टी में वापस जा रहा है और पानी बन के जाता है तो उसके हिसाब से विष बन रहा है। उनके ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो बहुत महंगे हैं बट अधिकतर अनसक्सेसफुल हैं। तो आप मेरे को प्लीज़ हमारे सभी ऑडियंस को ये बताइए कि इस भयावह जो ये सिचुएशन है उसका उपाय क्या है। उपाय की बात करने से पहले हमें एक बार समस्या को पहले समझना चाहिए मुझे लगता है। और समस्या को कैसे समझना चाहिए ये मैं आपको वही बता सकता हूँ जो मैं समझता हूँ, जो मेरी समझ के दायरे के बाहर है वो मैं आपको नहीं बता सकता। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मुझे कैसे समझ में आया। मैं कोई 1997 से पर्यावरण पे पत्रकारिता का काम कर रहा हूँ, विज्ञान का काम कर रहा हूँ लिखने का, और उसके पहले से थोड़ी पर्यावरण की समझ रही है, कुछ अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। तो मैं ये मानता था कि ये चीज़ें मैं समझता हूँ। फिर 2003 में अक्टूबर के महीने में मैं लद्दाख गया था और वहाँ खेती पे लिखने गया था। तो वहाँ खेती के हाल बहुत ख़राब हैं, वो एक अलग कहानी है, लेकिन वहाँ मुझे एक बस जवान किसान मिला जो अपने पुरखों की ज़मीन को जोत रहा था। उसका नाम है पद्मा वांग्याल। तो पद्मा, मैंने जिन लोगों से काम सीखा है उन्होंने हमेशा ये बताया था कि
किसी चीज को थोड़ा ठहर के समझना, मुठभेड़ वाली पत्रकारिता मत करना जो आजकल हो गया कि आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, क्या कर रहे हैं आप। तो ये मुझे बहुत ठीक से समझाया गया था कि ऐसे नहीं करना। तुम्हें अच्छा लगेगा क्या कि तुम्हारे घर में कोई आके तुम्हारे घर का अन्वेषण करे, उस पर बहुत ही कुतूहल से देखे कि तुम ये क्या है वो क्या है। तो किसी और के घर आंगन में जाओ तो उसे अपने घर आंगन से अलग मत मानना, थोड़ा विनम्रता से जाना और थोड़ा ठहर के चीज़ें समझना, वरना जो चार सवाल पूछोगे उनके जवाब लेके आ जाओगे, कुछ बड़ी बात समझ में नहीं आएगी। तो मैंने पद्मा से कहा कि क्या मैं तुम्हारे खेत में जाके तुम्हारे साथ कुछ समय बिता सकता हूँ। तो पद्मा मुझे 35 किलोमीटर दूर है, सिंधु नदी के किनारे, बहुत सुंदर खरू नाम का गांव है, वहाँ ले गया और करते रहे इधर उधर। सुबह मैं उठा और मुझे सुबह दिशा मैदान, मैंने पूछा भाई शौचालय कहाँ है, तो पद्मा ने मुझे कहा कि बाहर चले जाना, सामने है। मैं उठ के जाने लगा तो फिर उसको ध्यान आया कि ये तो नया आदमी है, तो वो पीछे पीछे आया मेरे, किवाड़ तक आया और उसने कहा कि सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाना। मैं बाहर गया तो दो मंजिल का एक कमरे का भवन था, सीढ़ियाँ ऊपर जानी थी, ऊपर गया, किवाड़ खोल के अंदर गया तो वहाँ बीच में गड्ढा था। अब इसके लिए भी कोई मतलब सेपरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चाहिए होता कि कहाँ क्या करना है, तो मैं उसके ऊपर उकड़ू बैठा, मलत्याग किया, मिट्टी रखी थी तो मैं समझ गया मिट्टी डालनी है। उसके बाद मैं नीचे उतर के आया तो निचली मंजिल देखने के लिए मैं पीछे से गया तो किवाड़ खोला तो उसमें ढेर लगा हुआ था मल का। वापस आया तो मैंने पद्मा से पूछा कि ये क्या है, तो पद्मा ने कहा छागरा है। छागरा क्या? तो उसने कहा हमारा शौचालय ऐसा ही होता है। कब से होता है? न जाने कब से होता है, हम तो यही जानते हैं। अच्छा, इसको खाली कौन करता है? ये मतलब खोजी पत्रकार है, शहर से आया हुआ, गांव के किसान से, मतलब तुम कौन हो, तुम्हारे बाप कौन है, उस कड़ी में सवाल चल रहे हैं। तो कौन करता है साफ? उसने कहा क्या मतलब? मैं करता हूँ। मैंने कहा कैसे करते हो? तो उसने कहा गाड़ा रखा है उसमें फावड़े से डालता हूँ, और कैसे करूँगा। तो मैंने कहा अपने हाथ से? उसने कहा हाँ। मैंने कहा घिन नहीं आती? कहा क्यों आएगी घिन? मैंने कहा भाई ये घृणित चीज है, इसको छूने वाले अछूत मान लिए जाते हैं, ये वो, मैंने सारा अपना शहरी ज्ञान उसको बताया। तो पद्मा मुझे ऐसे देखने लगा कि ये लोग शहरी लोग क्या मतलब, इनको कुछ समझ नहीं आती क्या, क्यों ये लोग इतने मूर्ख होते हैं। थोड़ी देर तक वो चुप रहा, फिर उसने कहा मुझे घिन आती है, मुझे घिन आती है जब मैं शहर में जाता हूं और वहां वेस्टर्न कमोड पे बैठता हूं और पीने लायक पानी में हगता हूं और नीचे से छपाक छपाक की आवाज आती है, पीने लायक पानी और खाद के लायक मल दोनों किसी अंधेरे गड्ढे में चले जाते हैं। अब मेरे पास पूछने के लिए कोई सवाल नहीं था, क्योंकि हम लोगों को सवाल पूछना सिखाया जाता है, ये नहीं सिखाया जाता कि कोई बड़ा सत्य सामने आ जाए तो उसका क्या करें। थोड़ी देर तक मुझे सही में समझ नहीं पड़ा कि क्या करूं, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो गई थी। वो छपाक छपाक की आवाज़ मेरे कान से गई नहीं। मैं वापस आया अपने काम में, धीरे धीरे मैं समझने लगा कि हमारी नदियाँ क्यों प्रदूषित हैं, तालाब क्यों प्रदूषित हैं, तो वो हमारा उसमें टट्टी पेशाब भी जाता है। हम लोग नदियों से तालाबों से पानी निकाल लेते हैं और फिर उसमें अपना टट्टी पेशाब डाल देते हैं। फिर मुझे ये भी लगने लगा कि मैं खेती पे लिखता था तो पता लग रहा था कि हमारी खेतिहर जमीन बिगड़ रही है। तो ये समझ में आने लगा कि खेतिहर जमीन क्यों बिगड़ रही है, क्योंकि उसमें जो उगता है वो हम खाते हैं। प्रकृति का नियम यह है कि जो मिट्टी से निकला है वो वापस मिट्टी में जाना चाहिए। हम उसको मिट्टी से निकालते हैं, अपने शरीर से होते हुए पानी में डाल देते हैं। हम जमीन को बंजर कर रहे हैं, जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि हम बहुत साफ हैं। यही नहीं, जो लोग ये नहीं कर रहे हम उनको जाके डांट के पीट के शर्मिंदा करके कहना चाहते हैं कि नहीं ऐसा करो। ये भयावह बात है कि हमने अपनी सफाई को इतना बड़ा आदर्श मान लिया है, मिट्टी पानी का संबंध बिगाड़ने वाली सफाई का, कि हम चाहते हैं कि हर कोई उसी पे चले। तो ये तो बात रही धीरे धीरे ये समस्या समझने की। इसके कई आयाम हैं, आप लोग अगर पुस्तक देखेंगे तो आपको
वो धीरे धीरे खुलते जाएंगे। स्वास्थ्य पे इसके जो दो सबसे बड़े अध्याय हैं वो एक स्वास्थ्य पे है और दूसरा खेती पे है। सबसे बड़ा अध्याय खेती पे है क्योंकि मेरे लिए स्वच्छता असली में सबसे बड़ी समस्या खेती की है। हमें अगर अपनी खेती ठीक करनी है तो हमें अपनी स्वच्छता की अवधारणा सुधारनी पड़ेगी, वरना जल स्रोत तो फिर भी साफ हो जाएंगे। मिट्टी को साफ, मिट्टी को उपजाऊ बनाना बहुत कठिन है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जो किसान रहे हों, वरना कोई भी जियोलॉजी वाला ये बता देगा खेती के लायक जमीन बनने में पीढ़ियां निकल जाती हैं। अगर हमने अपनी खेती की जमीन बिगाड़ दी तो फिर उसे बनाने में उतना पुरुषार्थ हम कर पाएंगे कि नहीं, ये कहना कठिन है। तो ये चीज़ें समझने के साथ मुझे एक बात और समझ में आई। इसके उपाय की बात करने के पहले आखिरी चीज़ कह दूं, हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं आदमी। सहज शब्द है, आदम से आया है, आदम और हव्वा की कहानी है। अंग्रेजी में एडम एंड ईव कहा जाता है। तो एडम शब्द कहाँ से आया है? एडम शब्द पुराने यहूदी भाषा के शब्द से आया है, अदामा से, और अदामा का मतलब मिट्टी होता है। हर संस्कृति में इसका बोध था कि हम मिट्टी से निकले हैं और मिट्टी में जाएंगे। एशेज टू एशेज, डस्ट टू डस्ट। हमारे यहाँ माटी के पुतले, स्वास्थ्य का जो इसमें अध्याय है उसका शीर्षक ही है पुतले हम माटी के। तो ये समझ तो रही है पहले से। अब रही बात उपाय की, तो उपाय बताने में मैं हमेशा संकोच करता हूँ। आपको इस पुस्तक में कोई उपाय नहीं मिलेगा, मतलब मेरी तरफ से कोई किसी को सलाह नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने ये काम अच्छे से किया है उनका वर्णन मेहनत से किया गया है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इस दो पैसे के पत्रकार से ना सीखिए, उन लोगों से सीखिए जिन्होंने अपना काम कई सालों में सिद्ध करके दिखाया है। हमारे यहां सिद्धि बहुत बड़ा शब्द है, समय सिद्ध। तो जिन लोगों ने समय सिद्ध काम किया है आप उनसे सीख सकते हैं। किताब के पीछे सारे लोग जिनका वर्णन है उनके आपको पते मिलेंगे, ईमेल मिलेंगी, फोन नंबर मिलेंगे, आप सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी आज़ादी की लड़ाई भी यही चीज़ सिखाती है। हम लोगों में एक देश का भाव, टुकड़ों में बसे हुई रियासतों में रहने वाले लोगों में एक देश का भाव इसलिए आया क्योंकि हमने एक दूसरे से बात करना सीखा नए सिरे से। तो हमें वो चीज़ आगे बढ़ानी पड़ेगी, हमें एक दूसरे से बात करना सीखना पड़ेगा। कुछ बातें होंगी जो आपने अपने जीवन में अच्छी साधी होंगी, वो मैं आपसे सीख सकता हूँ। दो चार बात आप में से कोई मुझसे सीख सकता है, लेकिन ये मानना कि विशेषज्ञों का ज्ञान हमें बचा देगा ये मुझे नहीं लगता अब काम आएगा। बिल्कुल सही। ये किताब में मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाई, मेरा ख्याल सबसे पहले 1850 में किसी ने इसके ऊपर लिखा था, कोई अमेरिकन है, मैं जिनका नाम भूल रही हूँ, आपने उसका जिक्र भी किया है इसके अंदर। वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप जब इस किताब को पढ़ेंगे जो भी इसके सोर्सेज हैं जहाँ से इन्होंने कलेक्ट किया, बाकायदा उनके नंबर दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं, तो बिल्कुल सही है। जिसने कुछ आगे पूछना हो, कुछ आगे जिसकी जिज्ञासा हो, ज़रूर पूछिएगा। संदर्भों के बारे में एक छोटी सी चीज़ कह दूं मैं। संदर्भ एक तो विशेषज्ञों की दुनिया का तरीका होता है, जो शास्त्रीय ज्ञान का तरीका है कि संदर्भ दिए जाते हैं, बिब्लियोग्राफी होती है इसकी। इसके संदर्भ और पुस्तक सूची वो सामाजिक रूप से लिखा हुआ है, उसमें सारी जानकारी अकादमिक तरीके से, पक्के तरीके से दी गई है, लेकिन वो अकादमिक लोगों के लिए नहीं है। वो भी आपको सहज सामाजिक भाषा में मिलेगी कि हमें क्या पता है, क्या नहीं पता है, किनसे पता है, किनसे नहीं पता है। क्योंकि ये देखिए लोगों को जोड़ने का काम है, ये दूसरों पे अपना ज्ञान गांठ के नहीं हो सकता, तो इसमें उस तरह का आपको ज्ञान गांठने का कुछ नहीं मिलेगा। जी सुपान जी, जैसे आपने अभी सॉयल की फर्टिलिटी की बात करी, मैं खुद पंजाब से हूँ और पंजाब का ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत योगदान रहा, आप सब जानते हो।
एक टाइम पे पंजाब को फीडिंग बोल ऑफ इंडिया कहा जाता था. हमारे इतनी एक्सटेंसिव कल्टीवेशन हुई जिसके अंदर हमने इतने फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया कि आप आज अगर पंजाब में जाके देखें तो शायद आपको दुख होगा, हमारे लड़कों की छातियाँ छोटी छोटी रह गई हैं. जहाँ आगे आर्मी में हमारे इतने लड़के जाते थे, ये जा ही नहीं पाते हैं क्योंकि फिज़िकली ये लोग कंपैटिबल ही नहीं रहे. वहीं इनकी किताब, हम जो वहाँ पे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स के ऊपर ऊपर से नाइट्रोजन डाल रहे हैं उसको फर्टाइल करने के लिए और सिचुएशन को ख़राब कर रहे हैं. हर साल जब खेती होती है हार्वेस्टिंग के बाद आग लगा दी जाती है, जो भी हमारे फार्मर फ्रेंडली जो कीटाणु हैं हम उनको नष्ट कर रहे हैं. तो ऐसी किताब मेरे हिसाब से, सोपान जी, आई वुड रिकमेंड टू ऑल गवर्नमेंट्स, अगर मेरी कोई बात सुने, ये एक स्कूल्स के पाठ्यक्रम के अंदर ये बुक इंट्रोड्यूस होनी चाहिए. और पुराने जो तरीके थे जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि अपने मल को, मूत्र को कैसे अपने को इस्तेमाल करना है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, तो दिस इज़ अ वेक अप कॉल. एक क्वेश्चन और सोपान जी, आपकी किताब पढ़ के, ये जो अपना स्वच्छ भारत का, ये तो खैर 1980 से शुरू हुआ जो अपना, जो हम ये जो लेके चल रहे हैं निर्मल हिंदुस्तान का, ये क्या सेल्फ डिफीटिंग हो गया क्योंकि गांव के अंदर शौचालय बन रहे हैं? मेरे ससुराल अलवर में है, वहाँ रामगढ़ के अंदर मैं भी एरिया देख के आई हूँ, मेवात का, डीप मेवात का एरिया है जहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है और वहाँ धड़ाधड़ शौचालय बन रहे हैं जहाँ पे औरतें बेचारी 20-20 किलोमीटर चल रही हैं पानी ढोने के लिए और वहाँ शौचालय बन रहे हैं. तो क्या ये सेल्फ डिफीटिंग है? मेरे ख्याल से अभी समय कम है, मैं हम लोग सवाल इकट्ठे कर लें चलिए और फिर उनका एक साथ जवाब दे, उसका भी मैंने लिख लिया है. ये ठीक है, आपने कुछ अलग है, चलिए अभी हमारे पास कितना टाइम और है, ठीक है. देखिए है क्या, हमारा स्वच्छता अभियान सबसे पहले 1986 में शुरू होता है. उसका नाम उस समय था, सरकारी योजनाओं के नाम थोड़े कठिन होते हैं, घर परिवार के लायक नहीं होते, तो उसको सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम कहा जाता था, हिंदी में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम. फिर कुछ साल तक वो चलता रहा, फिर एक सरकारी कमेटी बैठी जिसमें उन्होंने मालूम करने की कोशिश की कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, तो उन्होंने पाया कि नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा नाम बदल देते हैं. तो उसका नाम बदल के हो गया टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम. फिर कुछ साल बाद एक समिति बैठी, उसने फिर उसका आकलन किया, पूछा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, सरकारी आंकड़े आए जिसमें होगा कि खर्चा तो हो रहा है लेकिन काम नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने कहा अच्छा फिर नाम बदल देते हैं, तो वो निर्मल भारत अभियान हो गया. फिर उसके बाद एक नई सरकार आई, नई सरकार ने फिर अपनी समिति बिठाई, उसने तय किया, मालूम क्या करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पता लगा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा चलो इसका नाम बदल के स्वच्छ भारत मिशन कर देते हैं. अब आप पाएंगे नाम बार बार साफ हुआ है. नाम बार बार साफ हुआ है, हम साफ हुए कि नहीं ये अलग बात है. इसमें एक बड़ा कारण यह है कि हमारा जो पढ़ा लिखा सत्तावान हमारे समाज का वर्ग है उसे अपने साधारण लोगों से शर्म आती है. तो क्योंकि हम अपने आप को साफ मानते हैं तो जो हम जैसे नहीं हैं उन्हें हम गंदा मानते हैं, तो हमें लगता है उनको ठोक पीट के ठीक करना है. और फिर हम एक बार ये मान लें कि ठोक पीट के ठीक करने का तरीका शौचालय है तो फिर उसके लिए कोई भी तर्क लग जाएगा. जैसे आप पाएंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए आजकल कहा जाता है शौचालय बहुत ज़रूरी है. मैं ऐसा मानता हूँ कि शौचालय ही नहीं, घर गृहस्थी, घर आंगन, पानी, इनमें से हर चीज़ में अगर ठीक इनका व्यवहार हो तो वो महिलाओं का जीवन पहले सुधारता है. क्योंकि ईमानदारी से कहें तो हम लोग, हम में से कोई भी नहीं है जो किसी पुरुष का जना है. हम जिस बायोलॉजी में भी अगर देख लें कि हम जिस ऑर्डर में आते हैं प्राइमेट्स के, उसमें सब
माँ से चलता है, बंदर का बच्चा भी माँ से ही चिपटा रहता है, मातृभाषा होती है, पितृभाषा कोई नहीं पूछता। महिलाओं का योगदान बहुत सीधी सी बात है, इसलिए आंका ही नहीं जाता, क्योंकि बच्चे को पैदा करने, पाल पोस के बड़ा करने की कोई तनख्वाह नहीं होती, तो अर्थशास्त्र में वो बेकार काम है। लेकिन कोई अर्थशास्त्रियों से नहीं पूछता कि तुम्हारी माँ अगर तुम्हें पाल पोस के बड़ा नहीं करती तो तुम कहाँ होते। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अच्छे शौचालय बनाना महिलाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा के लिए, यानी महिलाएं रात को घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि हमारे पुरुष अपना व्यवहार नहीं बदल सकते, बंद करके रखें क्या? महिलाओं की सुरक्षा का शौचालय से कोई संबंध नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा का संबंध है हम अपने लड़कों को बड़ा कैसे करते हैं इससे। मैं ये बार बार कहता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा का शौचालय से कोई संबंध नहीं है, अच्छे शौचालय महिलाओं के लिए होने चाहिए, सुरक्षा के लिए नहीं, क्योंकि उसकी वजह से हम अपने लड़कों को कैसे बड़ा करते हैं इसकी जिम्मेदारी से बच जाते हैं। हम में से हर कोई एक पुरुष और एक माँ का जना है, एक पुरुष और एक महिला का जना है, तो हम सबके भीतर एक पुरुष और एक महिला है। हमारा शरीर एक आकार ले सकता है, पुरुष हो सकता है या महिला हो सकता है, लेकिन हमारे भीतर तो एक पुरुष और एक महिला दोनों है, हर व्यक्ति के अंदर है। तो इस तरह की बातें शौचालय में इसलिए होती हैं। अब देखिए, न्यायालय ऐसे न्यायालय के निर्णय आए हैं जिसमें लोगों को नदी की सफाई के लिए हटा दिया वहां से, ये तक नहीं पूछा कि ये लोग सही में गंदी करते हैं क्या नदी, आपको इसका वर्णन मिलेगा? क्योंकि जिन लोगों को हटाया वहां से उनको तो सरकार पानी नहीं देती थी, तो उनका मैला पानी नदी में नहीं जाता था, उनको हटा दिया, अगले साल नदी का प्रदूषण बढ़ा हुआ था, लेकिन जिस न्यायालय ने यह निर्णय दिया उसका मैला पानी नदी में जाता है। न्यायालय ने यह नहीं पूछा कि हमारा मैला पानी कहां जाता है, ये गंदे हैं निकालो इनको। हम लोगों ने स्वच्छता को अपने लोगों को पराई आंख से देखने का तरीका बना लिया, और यह कोई सरकार की समस्या नहीं है, यह समाज की समस्या है, यह समाज का रोग है, और यह पराया, अपनों को पराई आंख से देखने की बात थोड़ी आगे जब जाती है तो हम अपने नदी तालाब अपने कुसनों को नसीहत देने से पहले जरा अपने गिरेबान में डालना देखना सीखें। एनी क्वेश्चंस प्लीज? जी हो गया, मेरे ख्याल से आप सवाल ही करेंगे, आपको वो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम वैसे ही बहुत डरे हुए हैं। मैं जहां से आता हूँ इंदौर से, वहां महाकाल पास में ही है, तो मैं तो महाकाल जी। मेरा नाम डॉक्टर मीता सिंह है, मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ, और जो आपने बात कही महिलाओं की सुरक्षा के लिए, निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा तर्क नहीं है, हम अपने बच्चों को लड़कों को किस तरह से बड़ा करते उसमें बिल्कुल मैं आपके साथ 110% सहमत हूँ, लेकिन ये महिलाओं की सुविधाओं का सवाल है। मैंने पहले ही कहा जी तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं अच्छा शौचालय इसलिए बनाना चाहूँगा कि वो महिलाओं के लिए जरूरी है जी, लेकिन सुरक्षा से जोड़ के नहीं, सुरक्षा से जोड़ के नहीं, क्योंकि गर्भावस्था, बारिश, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल इन सब चीजों में महिलाओं की बिल्कुल। जो मेरा एक और प्रश्न है, लेकिन आई विल नॉट टेक अप दैट टाइम, मैं वो आप बता दीजिए, बाद में कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को और विशेषकर आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी दृष्टि को उस ओर मोड़ा जहाँ इसकी बहुत ज़रूरत है, और अधिक इस समस्या को समझने की समर्थता प्रदान की, धन्यवाद इसके लिए। एक प्रश्न मेरा ये है, जो आपने पूछा कि पत्रकारिता में क्यों पर्यावरण वगैरह विषय का अभाव है, मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य में भी जो परंपरा चली आ रही थी
कालिदास जब शकुंतला पति के घर जाती है, पातुम न प्रथमम व्यवस्थते जलम युष्मासु न पीते शुया, ये जो संबंध प्रकृति से बनाने की हमारी जो अंदर की इच्छा है वो कहीं साहित्य में अब दिखती नहीं है, तो ये भी एक कारण है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो मानसिकता में बदलाव की बात आपने की कि हमको संबंध बनाने पड़ेंगे प्रकृति और उससे, और सफलता की बात कही कि सफलता चरम स्थिति में पहुँचे वो एक तरह से विनाश है, वो जो इच्छा है आगे हमेशा आगे बढ़ने की और बिना पर्यावरण को देखने की, उसके कारण उसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या ये जरूरी है, बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है कि अपरिग्रह की भावना हमारे मन में आए, बहुत अधिक अगर हम जोड़ते जाएंगे इकट्ठा करते जाएंगे तो क्या होगा ये? धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल है आपका, धन्यवाद। बहुत दिनों बाद एक बहुत ताजगी भरा और ऐसे विषय पर कुछ वैकेंट, धन्यवाद अपरा का कि उसने मुझे बुलाया। आप जब बात कर रहे थे तो लग रहा था कि बहुत सादगी, बहुत सरलता से, मुझे लग रहा था सब कुछ शायद मैं जानती हूँ, मैं गांधी चिंतन की विद्यार्थी भी हूँ, मुझे लगभग मैं गांधी को रेफ़र कर रहे थे क्योंकि जिस पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात आप लगातार कर रहे थे, प्रकृति के साथ जुड़ाव जिस पर पवन जी ने भी कहा, गांधी भी ये कहते हैं कि हम, मैं हूँ तो तुम हो और तुम हो तो मैं हूँ, और पशु पंछी नदी झील तालाब पहाड़ सब हम एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होते हैं ना। और आपने एक पत्रकार के रूप में, पर मुझे ये थोड़ा अंडरस्टेटमेंट लगा आपका कि मैं सुझावों की और बदलाव की बात नहीं करूँगा, एक लेखा जोखा जरूर प्रस्तुत करता हूँ, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू रीड दिस बुक, बट व्हेन यू से कि आप सॉल्यूशन की बात, क्योंकि आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं लगातार और हर समाधान व्यक्ति में निहित है, अगेन गांधी का रेफरेंस आता है, हम व्यक्ति के स्तर पर अगर इस बदलाव को करें, मेरी सफाई के प्रति अगर नज़रिया बदलता है, और मैं सचमुच जानना चाहती हूँ कि क्या आपने अपने शौचालय का रूप और स्वरूप बदला है, तो मुझे लगता है हम समाधानों की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी सोपान जी, आपकी इस किताब के बारे में जानकर और आपके विचारों को जानकर वाकई हम लोग नई ताजगी महसूस कर रहे हैं। अभी विद्या जी ने जो सवाल किया उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। आपकी एक किताब महात्मा गांधी के बारे में भी है जिसकी चर्चा रवीश कुमार ने अपने प्रोग्राम में की थी जी, अगर उस किताब की पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जी। धन्यवाद। कुछ और प्रश्न हैं क्या? जी जी मैं कोशिश करूंगी कि मेरा प्रश्न बहुत छोटा रहे जिससे आपको भी उत्तर देने का पर्याप्त समय मिले। द ओनली थॉट दैट इज़ कमिंग टू माई माइंड इज़ दिस इज़ सच ए रेलिवेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और इट्स नॉट समथिंग वेरी न्यू, ये कई सालों से ऐसा होते होते हम इस सिचुएशन में आए होंगे। तो वाई एज अ राइटर एंड अ जर्नलिस्ट आपने इतना समय लिया इस बात तक आने में? अगर हम ये चीज़ को आपने पहले हमें अवेयर किया होता, मे बी 10 years, 5 years और you know a little before now, we could have made a better change. That's the thought that came to my mind. Ki is bare mein hum aur jaldi kyun nahi baat kar paaye aur jaldi kyun nahi likh paaye? We can't hold him responsible. No, but for the mess we have made. No, not for us, but he's so beautifully explaining. He could have explained it much earlier. It would have benefited us. That is my thought. मैं इसको डांट की तरह भी लूंगा, सॉरी आई डिडंट मीन, एब्सोल्युटली नॉट, आई एब्सोल्युटली डिड नॉट, आई मीन आई एम रियली अप्रिशिएटिंग व्हाट यू आर टेलिंग अस। दुख हमें हो रहा है कि हम थोड़ा जल्दी जानते तो थोड़ा जल्दी इसके ऊपर कुछ काम कर सकते। कोई? हाँ, मेरा ये कुछ बचकाना सा शायद लगे आपको, लेकिन जिस परिवेश में हम बड़े हुए हैं, जब हम बच्चे थे और ननिहाल में या गांव में जाते थे छोटी उम्र में, तो ड्राई लैट्रीन्स ही होती थी और वो उसी तरह का गड्ढा होता था और उसी तरह से मिट्टी भी डाली जाती थी, लेकिन वो परिवार के लोग नहीं, वो एक महिला
जो बेसहारा थी और जो मेरे मैं छोटी थी, छूत की बात कर रही हैं, हाँ, लेकिन मैं मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात कर रही हूँ जो कि अब हमारे देश में एक कानून बन गया है और उसकी उसकी अनुपालना होनी चाहिए मेरे हिसाब से बिल्कुल। और वो चीज़ मुझे लगता है कि हमारी जो सामाजिक ताना बाना जो बुना हुआ है उस पर प्रहार करने की आवश्यकता है, हमारी मानसिकता पर प्रहार करने की आवश्यकता है, जहाँ पर कि हम अपने मल को गंदा ना समझें और उसकी जिम्मेदारी स्वयं लें, जो कि शायद आपने रेखांकित की है अपनी बात। जी जी बिल्कुल। और कोई प्रश्न अभी? या जी स्वच्छता अभियान चल रहा है और ये बनाने की टॉयलेट बनाने की एक परंपरा चल पड़ी, तो क्या हम लोग अपने गांव में जो लोग हैं जो खेतों में जाते थे और अभी भी जाएं तो वो चीज़ ठीक रहेगी, या आप क्या सोचते हैं, आपने इतना सब अध्ययन किया? आप अभी इनका जवाब देते हैं और अगर फिर कुछ बातचीत बची तो शायद आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम और आप इसके बाद कभी संपर्क में ना रहें, तो मैं जवाब उल्टे दूंगा, सबसे पहले आपका दूंगा। मनुष्य का मल बाकी जानवरों के मल से थोड़ा अलग होता है, हमारे मल में रोगाणु कहीं ज़्यादा हैं, तो अपने मल से दूर रहने की बात लगभग सभी संस्कृतियों में पहले से है क्योंकि लोगों में ये भाव रहा होगा, लेकिन आपको इसमें विस्तृत रूप से घृणा कहाँ से आती है इस पे वर्णन मिलेगा, भरत मुनि से शुरू होगा, चार्ल्स डार्विन आएगा, फ्रॉयड आएगा, जो आधुनिक सबसे बड़े इस पे शोध करने वाले लोग हैं वो घृणा के बारे में क्या बताते हैं ये भी आएगा, और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी घृणा को कैसे समझती है ये भी पता लगेगा। मोटी मोटी बात इसमें याद रखने लायक ये है कि आप कहाँ हकते हैं और कैसे हकते हैं, ये उस स्थान के हिसाब से तय होना चाहिए, तो उसमें कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहिए कि मैं आपसे कहूं कि आज ये पुड़िया खा लीजिए और आपका समाधान हो जाए, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कुछ जगह खुले में जाना सही में अभी भी ठीक हो पाए, लेकिन ये पक्का है कि हमें अपने मल से जब तक वो निर्दोष ना हो जाए दूरी बना के रखना चाहिए। आपको इस पर पर्याप्त सामग्री मिलेगी, इसमें उसके कारण क्या हैं उसके तरीके क्या हैं पर्याप्त मिलेगा। तो आखिरी सवाल भी यही होगा जो सोल्यूशन की बात कही गई थी कि कभी किसी को मैं आपका जीवन नहीं जानता, मैं आपकी परिस्थिति नहीं जानता, मैं आपको ये बताऊं कि आपको आपका जीवन कैसे जीना चाहिए ये कहने में मुझे संकोच होगा, क्योंकि मैं ये नहीं मानूंगा कि जैसा मैं जीता हूं वैसे ही सब जिए। तो मैं आपको विचार दे सकता हूं, आप उसे अपने परिवेश के हिसाब से ढाल दीजिए, और जिन लोगों ने अच्छे से काम किया है उनसे आप सीख सकती हैं, उनके आपको सब पते वगैरह मिल जाएंगे। एक बात, आपका सवाल था स्कैवेंजिंग का, ये घृणा से जुड़ी बात है, घृणा हम सब में भीतर है। नाट्यशास्त्र में जो नवरस बताए गए हैं उनमें विभत्स आता है और आपको विभत्स रस का इसमें चित्र भी मिलेगा। घृणा हमारे भीतर हमारी संवेदनशीलता का एक हिस्सा घृणा है, तो घृणा हमारे भीतर है, जिन्हें हम किन्हीं कारणों से पसंद नहीं करते उन्हें हम घृणा का पात्र बना लेते हैं, ये हमारी मिट्टी में दोष है। अब इसको आप ऐसे देख सकती हैं कि मेरे बाल सफेद हुए हैं, जिन लोगों के बाल सफेद नहीं हुए हैं मुझे उनसे घृणा है, या उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि मैं कुर्ता पजामा पहनता हूं जो पतलून पहनता है उनसे मुझे घृणा है। ये सही में ऐसे ही शुरू होता है, हम लोग सही में इतने उथले हो जाते हैं और उसको फिर हम अलग अलग रूप देते हैं, हम लोगों को अपनी घृणा का पात्र बना देते हैं, जो हमारी सफाई कर रहा है वो गंदा हो जाता है, हम गंदे नहीं होते। तो इसमें पूरा एक अध्याय इसी पे है और उसका शीर्षक है सफाई के मंदिर में बलि प्रथा, क्योंकि हमने एक नई बलि प्रथा बना ली है। पहले जिन जाति के लोगों को हाथ से मैला उठाना पड़ता था आज उन्हीं जाति के लोगों को सीवर के अंदर घुस के साफ करना पड़ता है,
और हर साल बीसियों जाने जाती हैं, हजारों लोग भयानक तरह की बीमारियों में रहते हैं, उनका जीवन नरक हो जाता है। आपको इस पे तमाम तरह के संदर्भ मिलेंगे। जो लोग इन जातियों की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनके फ़ोन नंबर भी आपको मिलेंगे। अगर आप उनसे संपर्क करना चाहें, उनकी मदद करना चाहें, तो ये बहुत अच्छा काम होगा। तो उस पे उसका आपका कहना बहुत देर कर दी। मैं चाहूँगा कि आप पहले किताब पढ़ लें, उसके बाद जो भी आपका निर्णय होगा वो मुझे सविनय स्वीकार होगा। लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको इसमें लगभग 12-13 साल की मेहनत है जी। इसमें जो संदर्भ हैं वो 25 पन्ने के हैं, और वो न्यूनतम संदर्भ हैं जो देय बिना मेरा काम ईमानदारी से पूरा नहीं होता। अगर मैं सारे संदर्भ दूं उसके तो एक अलग किताब केवल संदर्भ की बनेगी, उसमें बीसियों किताबें आ जाएंगी, कुछ हजार पीयर रिव्यूड साइंटिफिक पेपर्स आएंगे। वो फिर ज्ञान को तोलना ईंटों की तरह वैसा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं शास्त्रीय ज्ञान का आदमी नहीं हूं। शास्त्रीय लोग शास्त्रीय बात करें तो वो ठीक है, जो व्यक्ति शास्त्रीय नहीं है वो शास्त्रीय बात करे ये गलत है। शास्त्रीय ज्ञान शास्त्रीय लोगों पे छोड़ देना चाहिए, उनसे सीख सकते हैं। तो आप एक बार पढ़िए, क्योंकि ये आप खाना पकाती हैं तो ये कहा जाता है कि अच्छे स्वाद के लिए धीमा पकाया जाता है, तो मल का भी एक स्वाद तो नहीं कह सकते लेकिन जी। तो मैं चाहूँगा कि आप और उसके बाद भी आपको लगे तो आप सर कलम कर सकती हैं। जी आपका सवाल गांधी पुस्तकों पे था, मैं आखिरी में पकड़ूंगा ये। आपने सॉल्यूशंस की बात की। देखिए हम जिस समय में रह रहे हैं, पहले गांधी जी का किस्सा आपको बताता हूँ। इसका संदर्भ मुझे नहीं मिल पाया लेकिन मैंने पढ़ा था, ये मुझे याद है। एक कोई ऑस्ट्रियन पादरी गांधी जी से मिलने आए थे। उन दिनों काफ़ी शायद दंगे अंगे फसाद का समय था, तो उन्होंने पूछा गांधी जी से कि इतने खराब माहौल में आपको उम्मीद कहाँ मिलती है। तो गांधी जी ने ये कहा कि मुझे ये विश्वास है कि हिंदुस्तान में साधारण लोगों का अहिंसा में विश्वास है। तो उन्होंने गांधी जी से फिर पूछा अगला सवाल कि आपको सबसे ज़्यादा नाउम्मीदी किससे होती है, खतरा कहाँ दिखता है। तो गांधी जी ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों में करुणा का अभाव है। मुझे अपने काम के लिए इस देश के कई हिस्सों में जाने को मिलता है। मैं ये मानने लगा हूं कि इस देश की समस्या इसके पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ इस देश की समस्या नहीं है। तो अब पढ़े लिखे लोगों में सॉल्यूशन की बात आप पाएंगी बहुत ज्यादा होती है। टीवी चैनल में तो बिल्कुल ऐसे ऐसे मुक्के मार मार के कहा जाता है व्हाट इज द सॉल्यूशन, डू नॉट टॉक नेगेटिविटी। और ये लोग जो बोलते हैं उन्होंने अपना विषय समझने में शायद 20 मिनट नहीं लगाए होते, और वो चाहते हैं कि बिल्कुल अभी समाधान मिल जाए। और समाधान ऐसा होना चाहिए कि परचून की दुकान पे जाके कहूं 2.5 किलो समाधान देना। इससे मैं संकोच करता हूं। मैं गांधी विचार में पला बड़ा हुआ हूं। गांधी जी धीरज की बात करते थे, बार बार कहते थे कि खराबी बहुत तेज गति से जाती है, अच्छाई वीर विहूटी की तरह धीरे धीरे चलती है। तो इसमें शायद आपका जवाब भी आ जाए। अपरिग्रह से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। जो एकादश व्रत की बात होती थी उसमें अपरिग्रह आता ही था, और एकादश व्रत कोई गांधी जी ने इजाद नहीं किए थे। ये तो गांधी जी ने बार बार कहा था कि भाई इस समाज की जो अच्छी चीजें हैं उन्हीं को मैं संजो रहा हूं। तो अपरिग्रह का विचार तो बहुत पहले से रहा। गांधी जी ने 3 व्रत जोड़े थे, अस्पृश्यता निवारण और ऐसे 3 उन्होंने, बाकी 8 तो पहले से थे व्रत हमारे यहाँ। और अपरिग्रह एक छोटा सा तरीका, उसको आप लोगों ने कहा कि आपको कुछ ताज़ा लग रहा है, तो उसको अगर ताज़ी तरीके से अपरिग्रह को समझाएं हम, तो एक तो
आनंद होता है बहुत सारा खा लेने का, उससे एक तरह का संतोष मिलता है कि बहुत सारा खा लिया। लेकिन हम में से कोई भी, हम में से हर वो व्यक्ति जिसने खाना बना के किसी को खिलाया है, वो ये बता देगा कि असली संतोष किसी को खिलाने में है। अब इसको आप चाहें तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में समझ लीजिए, हम प्राइमेट ऑर्डर में आते हैं, मैमल्स हैं, हम क्या खुशी महसूस करते हैं वो हमेशा सामने वाले के चेहरे से तय करते हैं, है ना। आज भी सोशल मीडिया पे पहले देखते हैं कितने लाइक आए हैं, उससे हमारी, हमारा अपना मूल्य बढ़ता है कि देखो इतने लोगों ने पसंद किया तो अच्छा होगा। सामाजिकता का मूल सबक तो यही है कि हमारी खुशी खुद खा पी लेने से नहीं हुआ, अपरिग्रह की नई संवेदना बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे समाज में भी एक पूरी नई पीढ़ी आ चुकी है जिसके लिए ये शब्दों का कोई, इन शब्दों का मतलब नहीं बचा। हमें, मुझे पता है क्योंकि मैं प्रार्थनाओं में बैठा हूँ कम उम्र से, तो एकादश व्रत सुने हैं, लेकिन बहुत सारे नए लोग हैं जिन्होंने नहीं सुने, और ये उनकी गलती नहीं है कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमें लगातार नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे अपने लोगों से, ये अपने लोगों को ये जताने के लिए कि हमारी खुशी उनकी खुशी में है, और कहीं ना कहीं उनकी खुशी हमारी खुशी में होगी। तो इसका एक और सबक ये है कि आप अगर साधन संपन्न इलाके में जाएंगे तो आप पाएंगे वहाँ लोग, ऐसा आजकल तो होता ही है कि पड़ोसी कौन है ये पता नहीं है, लेकिन कभी किसी झोपड़ी में जाके देखिएगा, उनको हमेशा पता होता है पड़ोसी कौन है, क्योंकि जब मुश्किल आती है तो पड़ोस में जाना पड़ता है। जब लोग, लोगों के पास साधन नहीं होते तो उनके लिए दूसरे लोग साधन होते हैं, जब लोग साधन संपन्न हो जाते हैं तो दूसरे लोगों के साथ उनकी भोग की प्रतियोगिता चलती है, और ये मनुष्य का स्वभाव है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों का दोष है। तो हमें अपनी मिट्टी की खोट समझनी पड़ेगी, और ये भी जानना पड़ेगा कि आज जो हमारे सामने समस्या है वो हमारी प्रजाति को आज से पहले कभी देखने समझने को नहीं मिली, कभी इस ग्रह पे 7.5 अरब मनुष्य नहीं रहे। तो अब हमें नए सिरे से पुरानी चीजों को, उसमें से अच्छा माल निकालना पड़ेगा, उसको ताजा करके लोगों के सामने रखना पड़ेगा। आपने गांधी जी की पुस्तकों की के बारे में पूछा था, ये काम कुछ ऐसे आया कि चंपारण शताब्दी समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि बिहार के बच्चों के लिए गांधी जी पे पुस्तकें बनेंगी। तो उनके सलाहकारों में कुछ लोग थे जिन्होंने जलथलमल पढ़ी थी, और वो इसकी भाषा के प्रशंसक हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी होना पड़ेगा, आप लोग पत्थर मारेंगे तो मैं खाऊंगा, लेकिन तो उनके सलाहकार मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये पुस्तक आप तैयार करें। तो मैंने कहा क्यों, मेरी गांधी जी में कोई PhD नहीं है। देखिए, मैंने गांधी जी पे पढ़ना सही में 1.5 साल पहले शुरू किया, मैंने कभी पढ़ा नहीं गांधी जी पे, अपने बाप दादाओं पे पढ़ते नहीं हैं, उनकी जायदाद हमें मिली होती है। तो मेरा जो भी विचार संसार है वो वही बपौती है, गांधी जी ने न जाने ऐसे कितने परिवार छोड़े हैं। तो मैंने कभी पढ़ा नहीं था, तो नए सिरे से पढ़ना पड़ा उसके लिए। और अगर आप वो किताब अपने बच्चों को देंगे, चाहे आप गांधी जी को माने या ना माने, आपको लगेगा कि आप अपने बच्चों को कुछ ठीक चीज दे रहे हैं, क्योंकि वो उसमें मुख्य चीज हमारे बच्चे हैं। देखिए, गांधी जी तो 70 साल पहले गए, अब गांधी जी के बारे में हम क्या कहें क्या नहीं कहें, गांधी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बच्चे तो हमारे हैं और उनको जीवन जीना है, और उनको आगे चल के जो विचार चाहिएगा अपना जीवन ठीक करने के लिए, वो गांधी जी से ज्यादा किससे मिलेगा ये मुझे नहीं समझ में आया। मेरे ख्याल से समय पूरा हो चुका है, अपरा जी की टेढ़ी नजर इस तरफ आ रही है, आप लोगों ने बहुत धीरज से सुना, आप सभी लोगों का अत्यंत आभार, और मिनी जी का विशेषकर।
बहुत बहुत धन्यवाद. और जैसे कि आपने कहा कि गांधी जी से किसी ने पूछा कि उन्हें उम्मीद कहाँ से मिलती है, अगर आप हम सबसे पूछेंगे कि हमें उम्मीद कहाँ से मिलती है, हमें उम्मीद आप जैसे लेखकों से मिलती है, हमें उम्मीद कलम जैसे कार्यक्रमों से मिलती है जहाँ पर हर महीने एक नया नाम जुड़ता है एक नए सब्जेक्ट के साथ. हमें हर समय उम्मीद मिनी जैसे लोगों से मिलती है जो कि बहुत सारा काम करती हैं समाज में, पॉलिटिकल फील्ड में, सैनिटेशन में. और आपने ये भी कहा कि गांधी जी ने ये भी कहा कि पढ़े लिखे लोगों में करुणा का अभाव है. और जी हाँ, हम आपको ये यकीन दिलाना चाहेंगे कि कलम में जो भी लोग आते हैं वो यही उनकी कोशिश रहती है कि हर तरीके से सोसाइटी के साथ रहें, लोगों के साथ रहें. हाल ही में 14 फरवरी को एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ, एक आतंकी हमला जहां पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे जवान शहीद हुए. उन्हीं की याद में एक मिनट की श्रद्धांजलि हम उन्हें देना चाहेंगे, नमन करना चाहेंगे. और कलम जिस भी शहर में एक महीने तक होगा, करीबन 25 शहरों में प्रभा खेतान फाउंडेशन के कार्यक्रम हैं, उन सब में एक मिनट का नमन हम इन सबको देंगे. मैं श्री रजनीश यहाँ पर आकर श्री सोपान जोशी को एक छोटी सी भेंट दे हम सब की तरफ से. सोपान जी, आपका कलम जयपुर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एक तस्वीर शायद वो खींचना चाह रहे थे आपकी वापस से. ये छोटी छोटी यादें रह जाती हैं हमारे साथ. मिनी जी को भी आप एक छोटा सा मोमेंटो देकर उनका धन्यवाद दे. धन्यवाद मिनी जी. धन्यवाद रजनीश जी. आज सोपान जी, जो आपने हमें एक आईना दिखाया, मुझे लगता है हम सब के मन में बहुत सारे सवाल अभी भी हैं और बहुत सारी जवाबों के साथ हम यहाँ से जाएंगे. और जी हाँ, हम सब की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी आगे वाली जनरेशन्स को एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देने के साथ साथ एक सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट दे. धन्यवाद आपका. वी केयर और प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी कलम के प्रस्तुतकर्ता श्री सिमेंस को, कलम के मीडिया पार्टनर दैनिक भास्कर को और कलम के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल जयपुर मैरियट को और आप सभी को. आप सब अपनी किताब लेकर सोपान जी से साइन करवा सकते हैं. धन्यवाद.